भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता सबको आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर को और कोई नहीं जानता। दो अक्षर का शब्द है लक, ढाई अक्षर का शब्द है भाग्य, तीन अक्षर का शब्द है नसीब, साढ़े तीन अक्षर का शब्द है किस्मत, मगर ये चारों के चार अक्षर शब्द मेहनत के सामने छोटे हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। आप किसी की तारीफ कितनी भी बार कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सही चुकाने के लिए मरा जाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। एक पुत्र ने दो खूबसूरत पंक्तियां लिखी, मुझसे मेरी माँ की दो पल की जुदाई भी सही नहीं जाती है। पता नहीं बेटियां ये हुनर कहां से लाती हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं, आपके कपड़ों से गले मिलते हैं और आपकी गाड़ी को दावत देते हैं। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। ये दुनिया वाले भी बड़े अजीब हैं, दर्द आंखों से निकले तो कायर कहते हैं और बातों से निकले तो शायर कहते हैं। जीवन को उस तालाब की तरह बनाओ जहां शेर भी पानी पिए और बकरी भी पानी पिए, लेकिन सर झुका के। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। थोड़ी सी माफी उधार दे दे खुदा, जानता हूं कोशिश चाहे कितनी भी कर लूं, मगर गुनाह मुझसे होते रहेंगे। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कलाकार ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य बुत बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य बुत बना कर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ा अजीब लगता है जब तेरे बनाए हुए बुत मेरे बनाए हुए बुत के सामने शीश झुकाते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी
कोई सजा नहीं। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड न करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। कभी कभी दिल ऐसा हो जाता है, ना किसी से प्यार रहता है, ना किसी से नफरत होती है, ना कोई अच्छा लगता है और ना कोई बुरा लगता है। दिल खाली सा हो जाता है हर जज्बात से, जहां पर हर बार अपनी बातों की सफाई देनी पड़ जाए। वो रिश्ते कभी सच्चे और गहरे नहीं होते। डोर लंबी हो इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं, जीने का सलीका आना चाहिए। किसी ने खूब कहा है, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी ना मेरा मजाक होगा। गुरूर ना कर साहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। जो लोग बेतुके प्रयास करते हैं, केवल वही असंभव को प्राप्त करते हैं। बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, पर खुश ना हो सके। एक दिन एहसास हुआ, खुद तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। दौलत की भूख ऐसी कि कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे खुद ही दौलत कमाने निकल गए। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कमजोर क्यों ना हो। कर्मों से ही होती है पहचान इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हम जो हैं वह हमारे माता पिता की देन है, पर हम जो बनेंगे वह माता पिता को हमारी देन होगी। कोशिश करें कि आपकी देन उनकी शेष बची जिंदगी